चाउमीन या नूडल्स बनाने के लिए एक बर्तन में 1.5 लीटर पानी गर्म करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा तेल डाल देंगे। इससे नूडल्स अच्छे से बॉईल होते हैं। फिर हम इसमें एक पैकेट या नूडल डाल देंगे। किसी भी ब्रांड का नूडल या चाउ यूज़ करें। तो यहाँ पे मैं इसे ऐसे डायरेक्ट डाल देती हूँ और इसके बाद इसे सॉफ्ट होने का वेट करें। इसे ऐसे प्रेशर लगा के ना तोड़ें। जैसे ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, ये खुद ही ऐसे अलग होने लगेंगे। हमें नूडल्स को 80% ही पकाना है, उससे ज़्यादा नहीं पकाना है। तो यहाँ पे जैसे नूडल्स जो है ना, वो पक जाएंगे। ये देखिए, आप इन्हें ऐसे एक बार तोड़ के देख लें। टूटते वक्त ना ये पूरे अलग नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसे जब आप इसे तोड़े तो ऐसे हथेलियों पे ऐसा दिखना चाहिए। ये देखिए, टूट नहीं रहा है पूरा, इतना ही पकाना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे और इसे पानी से निकाल के और ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे। ठंडा मतलब फ्रिज वाला पानी नहीं, नॉर्मल जो नल से पानी आता है वैसे पानी से एक बार वॉश कर लें। उससे क्या होगा कि नूडल्स जो है वो ओवर कुक नहीं होंगे और खिले खिले रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने इन्हें पानी से धो लिया है। और ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और उसके बाद अच्छे से इसे मिला देंगे। इस तरीके से आपके नूडल्स जो है वो एकदम परफेक्ट अलग अलग बनेंगे और खाने में बहुत अच्छा लगेगा। आप चाहिए तो इन्हें ऐसे करके उबाल के फ्रिज में रख सकते हैं और 4 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो नूडल्स के लिए सब्जियों में मैंने 2 हरी मिर्च, लहसुन लिया है, यहाँ पे शिमला मिर्च, ये गाजर लिया है मैंने, हरे प्याज का ये व्हाइट वाला पार्ट, नॉर्मल प्याज लिया है, थोड़ा सा हरा प्याज और पत्ता गोभी। आप इसमें सब्जी अपने पसंद की यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नूडल्स बनाने के प्रोसेस में। तो उसके लिए गैस ऑन करके एक मैंने नूडल वाला पैन गर्म किया है, आप किसी भी पैन में इसे बनाएं। इसमें हम 4 चम्मच तेल डाल देंगे। तो तेल डाल दिया मैंने, तेल के गर्म होते इसमें हरी मिर्च और ये लहसुन डाल दें। पहले हम इन दोनों को हल्का सा पका लेंगे। उसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे, गाजर डाल देंगे और बंद गोभी डाल देंगे। इन तीनों को पकने में समय लगता है, इसलिए इसे पहले डाल दें। शिमला मिर्च हम बाद में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इसे ऐसे मिला दें और 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भून लें। सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इसका जो कच्चापन है वो निकल जाना चाहिए। तो जैसे ही ये बंद गोभी, प्याज और गाजर जो है वो हल्का सा फ्राई हो जाएगा, हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च। तो अगर आपके पास कलरफुल शिमला मिर्च है तो वो डालें, उससे नूडल्स ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। नहीं तो ये हरे वाले जो हमारे पास हमेशा मिलते हैं वो वाले डाल दें। शिमला मिर्च को पकाना नहीं है, बस इसे ऐसे मिला दें और इसके बाद हम इसमें सारे सॉस डालेंगे। तो आधी छोटी चम्मच हम इसमें विनेगर डाल देंगे, 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे ग्रीन चिली सॉस डाल दें, 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे सोया सॉस डाल देंगे, मैं यहाँ पे डार्क सोया सॉस यूज़ कर रही हूँ, 1 बड़ा चम्मच हम इसमें रेड चिली सॉस डाल देंगे और इसके साथ ही 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे टमाटो केचप डाल देंगे। तो यहाँ पे ये केचप डाल दिया मैंने, मिला दें इसे अच्छे से। जैसे ही सारे सॉस जो है वो अच्छे से मिल जाएंगे, हम इसमें डाल देंगे ये उबला हुआ नूडल्स। तो नूडल्स को हमने पहले से उबाल के रखा है, तो यहाँ पे सॉस को मिला दिया मैंने, अब हम इसमें ये नूडल्स डाल देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नूडल्स एकदम अलग अलग हैं, बहुत ही सही उबले हुए हैं। तो जो तरीका मैंने बताया आप उस तरीके से इसे बनाएं। अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन ये ऑप्शनल है। इसके बाद हम इसमें नमक डाल देंगे, तो स्वाद के अनुसार नमक डाल दें। नमक डालने के बाद इन सबको अच्छे से मिला दें। मेरे कैमरे की बैटरी अचानक ख़त्म हो गई थी, जिसकी वजह से नमक डालने वाला पार्ट मैं शूट नहीं कर पाई, लेकिन 2 बार नमक डालूंगी तो ये नूडल खाएगा कौन, इसलिए मैंने फिर से नहीं दिखाया। तो नमक डालते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि नूडल को उबालने में भी हमने नमक इस्तेमाल किया है, प्लस सारे सॉस में नमक रहता है, तो नमक बहुत ही ध्यान से कम इस्तेमाल करें। और जैसे ही ये सारे सॉस वगैरह अच्छे से मिल जाएंगे, हम गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे इसे टॉस कर लेंगे। नूडल्स को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता है, बस इसे ऐसे टॉस कर लें। गैस का फ्लेम आप यहाँ पे हाई रखें। और ये हमारा बाजार और रेस्टोरेंट से भी अच्छा नूडल जो है वो घर पे बन के तैयार हो गया। ये आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट दिख रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, लास्ट में इसके ऊपर ये हरा प्याज डाल देंगे और हरा प्याज डालने के बाद इसे ऐसे वापस टॉस कर लें। तो अब बाहर का खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे आप नूडल्स बना सकते हैं। और ये हमारा मज़ेदार वेज हक्का नूडल्स बोले या वेज चाउमीन बोले रेडी हो चुका है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए, तो ये हमारा सुपर टेस्टी वेज चाउमीन जो है रेडी हो चुका है। गैस को ऑफ कर दें और ले चलते हैं इसे सर्व करने के प्रोसेस में। तो सर्व करने के लिए हम इसे एक सर्विंग बोल में निकाल लेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं नूडल्स बहुत ही टेम्पटिंग दिख रहा है। तो सर्व करने के पहले इसके ऊपर थोड़ा सा हरा प्याज डाल दें। तो आप इस नूडल्स को ऐसे खाएं या फिर चिली पनीर या फिर वेज मंचूरियन के साथ गर्मा गर्म सर्व करें, ये आपको बहुत पसंद आएगा।